रायबरेली जिले में नहीं रुक रहा घूसखोरी का खेल। तहसीलदार के पेशकार पर घूस लेने का लगा आरोप। तबादला होने के बाद पैसे मांगने गए युवक को पेशकार ने धमकाया। तहसीलदार को पीड़ित युवक ने दिया लिखित शिकायती पत्र। इसके बावजूद भी दबंग पेशकार कर रहा है पीड़ित को लगातार परेशान और रुपए ना वापस करने की बात। बीते दिनों स्थानीय विधायक ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और वसूली को लेकर जिम्मेदारी के साथ लगाई थी अधिकारियों को फटकार, जिसके बाद एसडीएम व तहसीलदार के घूसखोर पेशकारों का हुआ था तबादला। सलोन तहसील का है पूरा मामला, जहां पे सलोन तहसीलदार के पेशकार पे घूस का आरोप लगा रहा है ये युवक। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस पीड़ित की जुबानी। भैया क्या नाम है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम तरुण मिश्रा है, मैं धरई निवासी हूँ। मामला ये है कि मेरे मामा जी की जमीन थी नूरुद्दीनपुर टोल प्लाजा के पास में। जमीन काफ़ी दिन बेनामक हुआ था, तो उसका दाखिल खारिज था। तो दाखिल खारिज के उपलक्ष्य में आज 3 महीने पहले मैं जब पेशकार से मिला शिषपाल यादव जी से, तो उन्होंने ये बताया कि मामला हम निपाट देंगे, मतलब दाखिल खारिज करवा देंगे, लेकिन इसके लिए 50,000 देना होगा। तो मैंने 50,000 देने से इनकार किया, क्योंकि मेरे पास नहीं रकम थी नहीं। तो उस समय पे इनको मैंने 16,000 रुपये दिए थे। उसके एक महीने उपरांत तो मैं फिर से आया, तो इन्होंने कहा 3,300 रुपये और लगेंगे। तो 300 रुपये मैंने इनके वर्कर को और 3,000 रुपये इनको फिर से मैंने दिया। उसके बाद इनके द्वारा मुझे सिर्फ बगलाया गया कि आ जाओ, कल आओ, आ जाओ। मैं 20 बार यहाँ पर दौड़ के परेशान हुआ। कुछ दिनों बाद जब मामला संज्ञान तहसीलदार मैडम के पास गया, तो तहसीलदार मैडम के सामने जब बात हुई, तो इनके जो वर्कर हैं वो मिले थे उस दिन, ये नहीं मिले थे। तो उन्होंने बयान भी दिया, लेकिन इस मामले का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। मैडम के द्वारा ये कह के टाल दिया गया कि इसका दाखिल खारिज नहीं हो सकता, उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जो मेरा पैसा ये लिए हैं 19,000 रुपये। आपने कोई तहरीर किसी को दिया था क्या? एप्लीकेशन ये है, मैंने तहसीलदार मैडम को दिया था, उनके द्वारा ये कह के टाल दिया गया कि इनका ट्रांसफर हो चुका है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है। कब दिया गया था और कब वापस दिया गया आपको? मैंने एप्लीकेशन को कल दिया था, आज वापस हुआ है मेरे पास। अच्छा जी। क्या नाम है पेशकार का? शिषपाल यादव। अभी आपसे क्या कह रहे हैं वो? वो अभी तक मुझसे वादा किए थे कि मैं 28 को पैसा वापस करूंगा, लेकिन आज जब मुझे ये पता चला कि उनका ट्रांसफर हो गया, तो मैं कल से परेशान हूँ कि मेरा पैसा मिल जाए। लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही किसी भी अधिकारी के द्वारा। मैं सबके पास दौड़ के परेशान हो गया हूँ।